सब्सक्राइब करें एन सेहर किचन को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के। हेलो फ्रेंड्स, मैं एन सेहर आज आपके लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूं और वो है अदरक का हलवा। तो इसका हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है और ये देखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो चलिए इसकी हम फुल रेसिपी देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा हलवा हमने कैसे बनाया है। अदरक का हलवा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम अदरक लिया है और इसे मैंने अच्छे से धोकर कट कर लिया है। तो इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसके अलावा हमें 1/2 kg गुड़ चाहिए होगा और अदरक बेसिकली थोड़ा सा तीखा होता है तो इसलिए गुड़ हमें 1/2 kg चाहिए होगा। थोड़ा और लगेगा तो हम डाल देंगे। फ़िलहाल 1/2 kg हमने लिया है। और इसके अलावा मैंने जो लिया है वो 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप रिफाइंड अगर तो ऑयल पसंद करते तो वो भी ऐड कर सकते, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी। और 50 ग्राम मैंने चॉप ड्राई कोकोनट लिया, इसे मैंने कट कर लिया है। और 1/4 teaspoon हमें ज़ीरा चाहिए होगा। सबसे पहले हम अदरक को ग्राइंड कर लेते हैं किसी ब्लेंडिंग जार में और इसमें हम पानी डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसका हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो अगर और पानी नीड हो तो आप और डाल सकते हैं। ये पेस्ट हमारा बन गया है। तो अब हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, ऑयल डालेंगे और मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना चाहिए, वरना इसमें एक अजीब सा रॉ स्मेल आने लगता है। ऑयल गर्म हो गया तब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट होने देंगे। ज़ीरा अच्छे से रोस्ट हो गया तो अब हम इसमें अदरक का पेस्ट जो है वो डाल देंगे और ये काफ़ी उड़ता है तो इसीलिए बहुत सावधानी से डालें, मिक्स कर दें। इसमें और पानी डालकर बाकी हम डाल देंगे और अब हम इसे फुल हीट पर ही 7 से 8 मिनट चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर पर हम चलाएंगे और इसे बनाएंगे। अब हम इसे ढक देते हैं। 7-8 मिनट मैंने इसे फुल हीट पे बनाया है और बीच बीच में मैं इसे चलाती भी रही हूँ। तो अब एक बार और हम इसे चला देते हैं। इसके सरफेस पे देख रहे हैं ऑयल आ गया है, तो ये लगभग आधा पक चुका है। तो अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे बराबर से चलाते रहना है। और अगर आप इस हलवा को बनाते समय नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप नॉन स्टिक नहीं ले सकते प्लेन कढ़ाई का इस्तेमाल करें तो भी इसे कंटिन्यूस चलाते रहें ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। और ये अब थिक होना शुरू हुआ है तो अब हम नारियल ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आप घी पसंद करते हैं तो 1 tablespoon आप यहाँ पर घी भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और ये थिक हो रहा है तो थोड़ा सा और थिक होगा, फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि गुड़ जो होता है वो जमता है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है, बस इतने पर ही हमें बंद कर देना है। तो ये जब ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और जम जाएगा और हलवा की शक्ल में ये तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए, अदरक का बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार है और इसकी हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। तो इस विंटर में इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। और आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।